Hello guys, so welcome back to the another episode of this series, language series. तो आज की हमारी language है Japanese. तो without wasting much time, चलिए सीधा point पे आते हैं. तो हमारा Japanese का आज का पहला word है hi. Hi को Japanese में बोला जाता है या. बहुत ही simple है. Hi को जैसे हम hi, hello बोलते हैं, तो Japanese में इसको बोला जाता है या. या. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब बोलते हो तो इसको भी कोरियन की तरह थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे दबा कर बोलना पड़ता है थोड़ा सा या, समझो. और अगर हम हमारे नॉर्मल भाषा में बोले तो या बोलते हैं, लाइक या, ऐसे या नहीं बोलना है, या या या. या मीन्स हाय. तो हमारा दूसरा वर्ड है गुड मॉर्निंग. तो गुड मॉर्निंग को जापानीज में बोला जाता है ओहायो गोजाइमासु. ओहायो गोजाइमासु. ओहायो गोजाइमासु. तो हमारा दूसरा वर्ड है हाउ आर यू. तो हाउ आर यू को जापानीज में बोला जाता है गेनकी देसु का. गेनकी देसु का. और हाउ आर यू के बाद हम बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड. तो आई एम फाइन को बोला जाता है वाताशिवा गेनकी. तो वाताशिवा गेनकी का मतलब होता है आई एम फाइन. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेक केयर. तो टेक केयर को जापानीज में बोला जाता है कियोत्सुकेते. 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 कियोत्सुकेते का मतलब होता है टेक केयर. तो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है नाइस टू मीट यू. तो नाइस टू मीट यू को जापानीज में बोला जाता है हाजी मेमासिते. हाजी मेमासिते. तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने शीते लिखा है, बट एच जो है वो है साइलेंट, इसलिए हम एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाजी मेमासिते. हाजी मेमासिते. हाजी मेमासिते. हाजी मेमासिते का मतलब होता है Nice to meet you. तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सॉरी. तो सॉरी को जापानीज में बोला जाता है गोमेन. गोमेन. बहुत ही इजी वर्ड है. सॉरी को जापानीज में बोला जाता है गोमेन. गोमेन. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है थैंक्स. तो थैंक्स को जापानीज में बोला जाता है अरिगातो. 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 अरिगातो का मतलब होता है थैंक्स. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बाय. बाय को जापानीज में बोला जाता है सायोनारा. ये वर्ड आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा बिकॉज हमने बहुत बार सुना होता है ये वर्ड सायोनारा. तो ये एक्चुअल में जापानीज वर्ड है. जापानीज में बाय को बोला जाता है सायोनारा. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून का मतलब होता है कोन्निचिवा. कोन्निचिवा. कोन्निचिवा मतलब गुड आफ्टरनून. और हमारा जो अगला वर्ड है वो है गुड नाइट. तो गुड नाइट को बोला जाता है ओयासुमी. ओयासुमी. तो गुड नाइट को बोला जाता है ओयासुमी. ओयासुमी का मतलब होता है गुड नाइट. तो आज की सीरीज के लिए बस इतना ही काफी है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और आपके साथ भी शेयर करना. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो.